नाम अनु है। अनु है, आप कहाँ से हो? सर मैं गांव पेटवाड़ की रहने वाली हूँ। आपने यहाँ मीडिया क्यों बुलाई है? सर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए, जिसमें कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ सर, और मैं घर बसाना चाहती। सर मेरा हस्बैंड जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता। सर हमारी लव मैरिज हुई थी। कौन सी जगह की शादी? सर हमने हिसार कोर्ट में 26 सितंबर को 2020 में हमने हिसार कोर्ट में लव मैरिज की थी सर। दूसरी जगह कौन सी जगह की? सर दूसरी शादी उसने गांव डीडवाड़ा में की है सर। कितने दिन हो गए? सर ये करीबन 2.5 महीने हो गए सर। आपके पास कोई सबूत है? हाँ जी सर मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? सर उस लड़की की शादी की फोटोज है, और मैंने जैसे पहले भी मैंने एक बाइट दी थी सर, मैं वहीं पे गई थी मेरे ससुराल में, तो वहाँ पे वो लड़की मेरे हस्बैंड के बिस्तर से उठ के आई थी सर, और वो अपने आप को दोस्त बता रही है सर। वो दोस्त नहीं है सर, एक दोस्त कभी भी चूड़ा पहन के, मांग भर के और मंगलसूत्र पहन के, सब कुछ एक शादीशुदा औरत की तरह दोस्त कभी नहीं रहता सर। उस लड़की का नाम क्या है? सर उस लड़की का नाम काफी है सर, और उसके फादर का नाम कृष्ण कुमार सर, जो कि गांव में बताया गया उसके। आपके हस्बैंड का नाम? सर मेरे हस्बैंड का नाम राकेश कुमार है। फादर नेम? सर उनके पापा का नाम सतबीर सिंह है सर। एड्रेस? सर एड्रेस वो माजरा, दुबलदन माजरा है सर उनका गांव, जो कि जझर डिस्ट्रिक्ट में आता है सर। क्या काम करते हैं वो? सर वो हरियाणा पुलिस में है सर। उनकी ड्यूटी कहाँ है? उनकी ड्यूटी सर ये सफीदों में है सर। तो अब आपने मीडिया बताई, आप क्या बातें मीडिया के सामने रखना चाहते हो? सर मैं मीडिया के सामने ये बात रखना चाहती, देखो सर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना बिल्कुल भी राइट नहीं है, और जो कि मैं तलाक नहीं देना चाहती सर, मैं उनके साथ घर बसाना चाहती हूँ सर, और वो जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं सर। शुरुआत में आपके जो हस्बैंड है वो कब अलग हुए थे आपसे? सर वो मेरे से अभी एक साल हो गया सर उनको। क्या कुछ कहा सुनी हुई आपके साथ में, क्या मैटर हुआ? सर मैटर ये हुआ सर, मेरे को पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आईसीएस कोचिंग सेंटर जींद में सर मुझे हरियाणा पुलिस की तैयारी करने के लिए उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था सर, लेकिन उन्होंने मेरी फीस नहीं भरी सर। मैंने 3 से 4 दिन दी मैं सर, फिर ऐसे चलता रहा, उन्होंने 2000 फीस दी सर, लेकिन बाद में उन्होंने कोई फीस नहीं दी। बार बार नोटिस आता रहा वहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई फीस नहीं दी सर। शादी के कितने दिन बाद आपको ज्वाइन कराया था आईसीएस? जी सर शादी के 1.5 साल बाद सर। कोचिंग ज्वाइन? हाँ जी डाइवोर्स से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही। अच्छा को पता है? जी मैम मेरी फैमिली नहीं, मैं कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को पता है कि ये मेरी सिचुएशन हो रखी है। अनु जी उनका कहना है कि इनका कई लड़कों के साथ संपर्क था। सर अगर वो प्रूफ रख देंगे ना, तो जो सजा मुझे कानून देगा मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं गलत नहीं थी सर। आप कहाँ की रहने वाली हो वैसे? सर मैं गांव पेटवाड़ की रहने वाली हूँ। आपके घर वाले आपसे अलग क्यों हो? जी सर क्योंकि मैंने लव मैरिज की है सर, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं लव मैरिज करूँ। क्योंकि आपने खिलाफ हो गए लव मैरिज? जी सर लव मैरिज क्यों की आपने, उनसे खिलाफ हो गए? क्योंकि सर मैं राकेश से प्यार करती थी और वो मुझसे प्यार करता था। कितनी एज थी आपकी जब? सर उस टाइम मैं 19 या 19.5 साल की थी सर। मैं ऐसी क्या कमी रही कि आपने लव मैरिज सही उनसे करनी चाहिए? आप कह रहे थे ना भाई मेरी कोई मजबूरी का फायदा उठा, वो बताओ। हाँ जी सर मजबूरी ये थी सर, क्योंकि उनको पता था कि मैं टेबल टेनिस की खिलाड़ी हूँ सर, और अच्छा खेल चुकी हूँ और आगे भी मैं खेलना चाहती हूँ सर, और मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी सर। नौकरी पहले लग चुकी थी? हाँ जी सर वो 2 साल पहले ही गवर्नमेंट जॉब में थे सर। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के? नहीं सर वो 2 साल पहले ही हरियाणा पुलिस में थे। आपको कब पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? सर मेरे को सर अभी 23 तारीख को पता लगा था सर, कुछ महीने पहले मतलब, और जिस दिन मुझे पता लगा उसी दिन सर मैंने मतलब एक्शन लेना शुरू कर दिया था, पूछताछ करना शुरू कर दिया था। मैं लड़की के गांव में भी गई सर। फिलहाल भी वो आपके पति के साथ है? जी मैम वो मेरे पति के घर में ही रह रही, मेरे पति के रूम में रह रही, मैं मेरे पति के साथ रह रही हूँ। आप लड़के गांव में गए थे शादी को लेकर, किसी से पूछताछ की आपने? हाँ जी सर मैं लड़की के गांव में गई थी, गांव डीडवाड़ा की रहने वाली सर वो लड़की, तो वहां पे सरपंच के घर में गई सर। सरपंच से मैंने बोला कि सर प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे लड़की का घर बता दो और प्लीज आप भी मेरे साथ चलो, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा दे वो। तो सर सरपंच ने कहा कि नहीं हम लड़की के घर ऐसे आपको नहीं लेके जा सकते, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप राकेश की वाइफ हो? तो सर मैंने अपनी शादी के वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाए, अपनी शादी के फोटो वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया, मैंने प्रूफ किया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो गांव के सरपंच ने उनके घर वालों को बुलाया सर, मतलब उसके भाई थे पड़ोस के चाचा वगैरह ताऊ वगैरह, तो उन्होंने सर अगर देखो अगर वो एज ए वो बता रही कि मैं एज ए फ्रेंड रह रही हूँ, तो सर वो उनकी फैमिली वालों ने ये क्यों कहा कि बेटी इसके तो बाप नहीं, ये तो 4-5 बहनें हैं, माँ गरीब है, तुम उसको राकेश को डाइवोर्स दे दो, इनकी तो नई नई शादी हुई है, तू तो कुछ बन जाएगी। सर लड़की तो वो भी पढ़ी लिखी, क्या वो पढ़ लिखी वो कुछ नहीं बन सकती? जी सर लड़की के भाई थे सर, वो मुझे नहीं पता वो सगे भाई थे या पड़ोस के भाई थे सर, उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि तुम डाइवोर्स दे दो राकेश को, तुम्हारा क्या है अगर तुम्हें पसंद ही नहीं करता? ये मैं इनका पसंद नहीं करता तो लव मैरिज क्यों की थी उसने मेरे से? जिस दिन आप दोबारा राकेश से मिले थे, जब वो लड़की उनके साथ थी, आप वहाँ पे गए थे? जी सर मीडिया के साथ भी गए थे। हाँ जी उस टाइम राकेश ने क्या जवाब दिया पूरी बात? सर राकेश ने ये कहा मैं तो
दस दिन बाद और कर लूंगा, आज अभी तू आई है ना, उसने मुझे तू करके बात की सर कि अभी तू आई है तेरे को ये लड़की मिली है, अगर तू दस दिन बाद आएगी तो तेरे को तीसरी मिलेगी, उसके दस दिन बाद आएगी तो तेरे को चौथी मिलेगी। मैं तो ऐसे ही, मैं तो सेक्स का भूखा हूँ, मेरे से सेक्स के बिना नहीं रहा जाता, मैं तो ऐसे ही, मैं शादी करता नहीं, लेकिन उसने शादी कर रखी है सर। वो छिपा रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी से परेशान आके या तो मैं आत्महत्या कर लूं या मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊं, पागल हो जाऊं, और मैं फिर मतलब डाइवोर्स हो जाएगा किसी भी तरीके से, और फिर मैं कह दूंगा कि मैं तो पसंद करता था, मेरी अच्छी दोस्त है और मैं शादी करूंगा इसे। और शादी का पुलिस प्रशासन में कोई मतलब शिकायत नहीं दी जैसे? सर मैंने दी सर, मैंने जींद में भी दी सर, मैंने हिसार आईजी को भी कंप्लेंट दी सर, एसपी को भी, हिसार एसपी को भी सर, हांसी एसपी है जो सर निशिता गहलावत है शायद सर। क्या शिकायत दी आपने? जी सर कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे शादी कर ली है दूसरी और हमारा डाइवोर्स नहीं, और जो कि मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती, मैं घर बसाना चाहती हूँ, और मेरे होते मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो मैंने अप्लीकेशन लगाई थी सर। तो फिर क्या रहा, मतलब उसका क्या जवाब आया? उसका कुछ भी जवाब नहीं आया सर, मेरे को थाने में बुलाया गया, हांसी मैं थाने में गई सर, महिला थाने में, वहाँ पे ऐसे जो एडिशनल एस एस थी सर, शायद उनका नाम कविता शायद कुछ बताया गया, एएसआई नन्नी ने कॉन्टेक्ट में मुझे बताया कि आपको तो आप फिर भी उनके घर जा जाके परेशान कर रहे हो? नहीं सर मैं परेशान नहीं कर रही, देखो सर एक पत्नी का पूरा पूरा राइट है, अगर उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को अपने घर में रख रहा है तो सर किसी से भी सहन नहीं होएगा। अगर मेरे से ही लगा लो, अगर मैं किसी लड़के को रखूंगी अपने साथ में, क्या अगर मेरा हस्बैंड सही होगा, मुझसे ही प्यार करता होगा, क्या मेरा हस्बैंड मेरे को मतलब बर्दाश्त करेगा ऐसे किसी लड़के के साथ में? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। लेकिन अब तो केस का उसमें गया हुआ, कानून प्रक्रिया से चलेगा ना सर? चले वो कह रहे हैं मेरे घर पे आके मेरे को परेशान किया जा रहा है। नहीं सर बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मैं बिल्कुल शांत। आपके पति ने बोला है कि ऑन ड्यूटी आप उसको परेशान कर? नहीं मैम ऑन ड्यूटी की बात सुनो, जब हमारी शादी हुई मैम, शादी होते हुई जैसे आज मेरी शादी हुई, 3 बजे से हमारी शादी हो गई, उसने मुझे हिसार में राजी पीजी में उसने मुझे छोड़ दिया मेरे हस्बैंड जी ने, और मेरे को 75 रुपए देके बोला कि मैं एक दो दिन में ड्यूटी से आ जाऊंगा, लेकिन मैम वो नहीं आया, वो 10 से 15 दिन बाद आया, और फिर जैसे मतलब मालकिन बोलने लगी पीजी मालकिन जी, भाई रेंट दो तुम, उसने मेरे हस्बैंड ने रेंट दिया मैम, तो बोलने लगी कि भाई तुम शादी तुम्हारी हो गई, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पीजी के जस्ट थोड़े से 10-15 कदम पे पार्क था मैम, मेरे हस्बैंड मुझसे वहां मिलता था एक मतलब दोस्त की तरह, हालांकि मैं उसकी पत्नी थी, ये तो गलत बात है ना, वो अपने घर मुझे लेके जाता, तो मैं मालकिन ने उसको समझाया भाई तुम्हारी शादी होगी तुम अपना पर्सनल रूम लेके रहो, एक पति पत्नी की तरह रहो, ऐसे दोस्तों की तरह नहीं, ऐसे चोरों की तरह नहीं। तो घर कब लेके गए आपको? जी मैम मैम हमने पहले वहाँ पे आजाद नगर में रूम लिया मैम किराए का, गली नंबर 3 में, वहाँ पे भी मैम मेरे हस्बैंड ने 13 दिसंबर 2020 को मेरे को जान से मारने की कोशिश की, और वो क्योंकि मेरा हस्बैंड अडल्ट्री में था, वो अपने फोन में, मैं सोई हुई मैम रात में 1 बजे, मेरे हस्बैंड का मतलब क्या बनता है कि वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, अडल्ट वीडियो देख रहा है, अडल्ट कुछ फोटो देख रहा है, और दूसरी लड़कियों के फोटो रखने का मतलब क्या मैम? और मैंने ये कहा मेरे हस्बैंड से कि ये जितनी लड़कियों के फोटो आपके फोन में है, इनके घर वालों से मेरी बात कराओ कि ये लड़की आपकी लगती क्या, कह रहा मेरी बहन लगती है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी उसकी लड़की, तो मैम अगर बुआ की लड़की है तो मैंने तो कभी नहीं देखी, उसकी तो सिर्फ 2 ही बहनें हैं मैम, अगर वो सच्चा था ना मेरी तरफ प्रूफ दिखाता, फोन को लोग क्यों रख था था? मेरे फोन में मैम जितने भी लोग थे उसको हर लोग का पता था, और मैंने कभी मैम जब मेरा हस्बैंड मेरे पास आता ही साथ में, मैंने कभी अपने साथ फोन नहीं रखा, मेरा फोन हमेशा अंदर ही रखा रहता, और ये मेरा हस्बैंड फ्रेश होता तो भी अपना फोन बाथरूम में लेके जाता, तो गलत इंसान ही ऐसा करेगा मैडम, सही इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। जी सर लड़की अभी राकेश यात रहे जी सर, उस लड़की से क्या बात हुई आपकी? सर उस लड़की से मेरी मतलब मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने किसी मतलब उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था सर इंस्टा पे, तो मैंने किसी मेरी दोस्त थी सर रिया नाम से, तो उन्होंने मतलब अपनी आईडी से बात की उनसे कि मैं अनु बात कर रही हूँ, और उन्होंने मतलब मेरे को मेरी फोटो भेजी कि ये देखो इस लड़की की शादी हो चुकी, वो सर मैंने इसलिए भिजवाई थी ताकि जैसे मेरे पति ने मेरे को धोखे में रखा है, मेरे से धोखा, मेरे को चीट किया, कहीं इस लड़की को कुछ नहीं पता हो और ये लड़की भी इसके मतलब प्यार में फंस गई हो, ये झूठ बोल के इसको फंसा रहा हो, तो सर इसलिए मैंने मेरे शादी के फोटो भिजवाए सर इंस्टाग्राम पे, उसने उस फोटो पे कमेंट किया सर मैं दिखा सकती हूँ, और झूठ बोल रही लड़की कि मैंने इसको किनर नहीं बोला, उस लड़की ने मुझे किनर तक बोला सर, मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ सर। मैडम क्या उनके परिवार में कोई बंदा आपको पसंद करता है अभी? जी सर कोई भी बंदा, एक बंदा है कोई? हाँ सर बिल्कुल, देखो सर बात ये है, अगर पसंद नहीं होती, शादी से पहले 1.5 साल पहले हम रिलेशन में रहे, उसकी बहन के भी हम जाते थे, उसकी बहन की शादी बरवाला मतलब डिस्ट्रिक्ट तो जींद सर, लेकिन बरवाला के पास में वो गांव है, उनका गांव है उदयपुर सर, मेरी ननंद का नाम सर ममता, उनकी शादी करती है जी सर अभी? लाइक करती है अभी? नहीं करती सर, पहले शादी से पहले सब मुझे लाइक करते थे, या फिर ड्रामा था उनका, मतलब मुझे नहीं पता सर क्या था,
लेकिन मैं मेरी ननंद के घर भी मुझे मेरे हस्बैंड सर लेके गए, हम दोनों मैं और मेरा हस्बैंड हम कोथली तक लेके गए सर, और उसके गांव रामायण से ही सर। अगर पसंद नहीं करते तो उस टाइम बोल सकते थे सर कि हम तू तो बाल वाले नहीं, अगर उनको बाल वाले जोड़े वाली लड़की पसंद थी सर तो पहले भी मैं तो बॉय कट थी, अगर मैं पहले मेरे लंबे बाल हो और मैंने शादी के बाद कटवाए तो मैं गलत हूँ सर, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। आज कोई बंदा आपको लाइक करता है उनके घूम के बाद? नहीं सर, आज तो मेरे हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे लाइक? सास ससुर आपके मतलब कुछ भी नहीं बोला भाई, कहाँ जा रही है, घर छोड़ के मत जाए? मैम उन्होंने तो मुझे निकाला, मैं डाइवोर्स लगने के बाद ही मैम दो तीन बार गई हूँ तो उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैंने पुलिस बुलाई मैम। तो देखो अगर मुझे परेशान करेंगे, मुझे मारपीट करेंगे, मुझे घर से बाहर निकालेंगे तो मैं पुलिस को तो बुलाऊंगी मैम। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले ने बोल दिया कि अब इसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारे घर की बाल्टी भी है ना तो आधा हिस्सा इसका है। और मैम मैंने कभी भी लेन देन के चक्कर में मैंने कभी भी ये कहा नहीं कि मुझे घर चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला।